कि मेरे यहाँ कोचस प्रखंड है मेरे क्षेत्र में करहगर विधानसभा क्षेत्र में, मुझे लगता है कि वहाँ के जो अभी तत्कालीन अंचलाधिकारी हैं वो निकम्मे हैं अगर कहा जाए तो। मैं उनसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, उन्हें तत्कालीन उनको हटा के कोई दूसरे सक्षम पदाधिकारी को लाएं। कि हम लोगों के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, हमारे यहाँ मुझे कहना नहीं चाहिए मतलब, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ कोचस प्रखंड है मेरे क्षेत्र में करहगर विधानसभा क्षेत्र में, मुझे लगता है कि वहाँ के जो अभी तत्कालीन अंचलाधिकारी हैं वो निकम्मे हैं अगर कहा जाए तो। मैं उनसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, उन्हें तत्कालीन उनको हटा के कोई दूसरे सक्षम पदाधिकारी को लाएं। साथ ही साथ मैं कुछ दो तीन सुझाव देने के बाद अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। महोदय, मेरा यह सुझाव होगा कि जल्द से जल्द जो अंचलों में अमीन या कर्मचारी हैं, चूंकि हमारे यहां है क्या, आप एक प्रखंड को लेंगे, प्रखंड में 20 पंचायतें या 15 पंचायतें होती हैं अद्यतन अगर देखा जाए तो 15-20 पंचायतों में अगर दो या तीन कर्मचारी होंगे तो उन कर्मचारियों को आप प्रभार दे देते हैं बहुत 6-6 पंचायतों का, जो कि उनसे संभल नहीं पाता है, उसका कोई रोस्टर भी नहीं रहता है। तो जितनी जल्दी कर्मचारियों की बहाली और अमीन की बहाली होगी तो उतनी समस्याओं में और कमी आएगी, जो आवेदन है जो दाखिल खारिज के हो, परिमार्जन के हो, किसी चीज के हो, उसमें कमी आएगी और उनका एक रोस्टर निर्धारित होना चाहिए कि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार जो भी 6 दिन कार्य दिवस है उन कार्य दिवसों में उन्हीं पंचायतों में वो कार्य करें। 3 दिन अगर किसी एक पंचायत में तो 3 दिन दूसरे ही पंचायत में, और 2 पंचायत से ज्यादा किसी एक कर्मचारी को न दिया जाए, ये मेरा सुझाव होगा, आपसे आग्रह होगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो शनिवारीय जनता दरबार थाना और सीओ, थानाध्यक्ष और सीओ के अध्यक्षता में होता है, जो अंचलाधिकारी वहां होते हैं, उसमें जो मामले आते हैं उसके निपटारे हेतु एक समय सीमा उसको दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सालों तक कहते हैं कि 2 महीने हो गए, 4 महीने, 6 महीने हो गए। तो एक ये है, और एक अंतिम सलाह देना चाहता हूं कि जिला स्तरीय, अगर और कुछ ना हो तो जिला स्तरीय भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक विजिलेंस सेल का गठन करना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार में इस विभाग में कमी आए। सबसे ज्यादा अगर शिकायत इस विभाग में कहीं है तो वो भ्रष्टाचार को लेके है, कर्मचारी अमीन सीओ डीसीएलआर ओमन के लेवल पे। तो उसके लिए एक विजिलेंस सेल का गठन होना चाहिए, एक विजिलेंस पदाधिकारी का, एक निगरानी पदाधिकारी का, एक विजिलेंस ऑफिसर।